प्यारे बच्चों नमस्कार। आज क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एक टॉपिक हम उठाते हैं, मैट्रिक्स। ये टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा यूज है आगे चल के, लेकिन फिलहाल आपके यहां मैट्रिक्स एलजेब्रा है, तो मैट्रिक्स से संबंधित कुछ जो कैलकुलेशंस है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। आगे बहुत बड़े क्लासेस जाओगे तो वहां बहुत ज्यादा इसका डीप स्टडी आप करेंगे। देखो, तो सबसे पहली बात हम करते हैं, आखिर मैट्रिक्स होती क्या है, ये आगे होता क्या है। अगर हम कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके से सजा के हम रख दें, जैसे मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये जो है ये कहलाती है रो। क्या कहलाती है? रो। ये इधर की लाइन को रो कहते हैं और जो खड़ी हुई लाइन है इनको कॉलम कहते हैं। ये कॉलम, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। इसको पंक्ति कहते हैं हिंदी में और इसको स्तंभ कहते हैं। हम बार बार जो है इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है कि आखिर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कि कौन सी मैट्रिक्स किस कोट की होती है। तो पहली चीज आपसे पूछी जाती है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्तंभ है लिखा हुआ है। हमेशा ऑर्डर जो होगा वो रो क्रॉस कॉलम होगा। इसमें कितनी रो है? 1, 2, दो रो है और 1, 2, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 अवयव है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कहलाती है। अब कैसे इसका नाम देंगे, क्या नामकरण करेंगे एलिमेंट का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैट्रिक्स के टाइप समझिएगा, मैट्रिक्स के प्रकार क्या है, कुछ चीज और समझ लीजिएगा। जरा ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनका एड्रेस क्या है, क्योंकि आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। देखो, ये रो है, ये कॉलम है। तो जब किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखते हैं तो हम लिखते हैं AIJ। AIJ का मतलब होता है वो ith रो में है और jth कॉलम में है, IV रो में है और JV कॉलम में है, और ये एलिमेंट है। और जब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो बन जाती है मैट्रिक्स, ठीक है। और यहां पर इसका ऑर्डर लिख दिया जाता है, इसको मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं A। तो अगर ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, समझिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक अवयव है, ये एक एलिमेंट है। अगर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये बन गई मैट्रिक्स और यहां मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा। जैसे हम इसकी बात करें तो ये लिखा है AIJ, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब जैसे ये एक एलिमेंट है, इसका परिचय क्या है, देखो ये किस रो में है, पहली रो में है। तो ए पहले रो लिखिए 1, किस कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। तो A12, इसका परिचय क्या है, A12। जरा इसका परिचय बताइए, ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। तो A21, मतलब A12 क्या है, A12 2 है और A21 क्या है, 4 है। तो किसी भी एलिमेंट का ये परिचय होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मान लिया हम कहें भाई ये बताइए जो 6 एलिमेंट है इसका परिचय क्या है, इसका एड्रेस क्या है, कहां रहता है। तो आप कहेंगे ये A, ये दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में, तो ये इसका परिचय होता है। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स होती क्या है, इसमें पंक्ति क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, और इसका ऑर्डर क्या होता है, और इसमें एलिमेंट क्या होता है। अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए हम इसको थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो फिलहाल इंग्लिश में तो सीख ही ले, क्योंकि आगे चल के सब इंग्लिश है, लेकिन फिलहाल तो हिंदी में ही है। तो पहला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ
मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार अब लिख नहीं रहे, बताए दे रहे हैं आपको। देखो पहली जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं पंक्ति आदि। नाम से लग रहा है कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो बस, तो ये क्या हो जाएगा, एक रो बना दो, वन टू थ्री, ये हुए रो मैट्रिक्स। अब बताइए इसमें रो कितने हैं, आप कहेंगे वन, कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है वन क्रॉस थ्री, पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने बिल्कुल जानकारी नहीं है इसके बारे में उनके लिए बताया जा रहा है, और यहीं से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है, ठीक है। दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभावी, नाम से लग रहा है जिसमें केवल एक कॉलम हो, वन टू थ्री, इसमें रो कितनी है, एक दो तीन, कॉलम कितने हैं, एक, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो क्रॉस कॉलम। तीसरी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नाम से लग रहा है स्क्वायर, जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, यानी जैसे लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितनी रो है इसमें, तो आप कहेंगे इसमें तीन रो है, कितने कॉलम है, तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, थ्री क्रॉस थ्री। इसमें एक खास बात और समझ लीजिएगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें ये एलिमेंट जो होते हैं ये वाले, इनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, ये विकर्ण है, ये डायगोनल है, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो अगली मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट लिखे हो, मतलब जैसे यही हम ले लें तो वन जीरो 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 फाइव जीरो 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 सेवन, केवल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और सब जीरो हैं, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ही है। इसके बाद अगली मैट्रिक्स है, इसी डायगोनल में अगर ये सभी मैट्रिक्स, ये सब एलिमेंट सेम हो जाए, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्पेलिंग राइटिंग गड़बड़ है, समझ लीजिएगा। स्केलर में क्या होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं इसको, अदिश आव्यूह कहते हैं इसको। तो ये आपके हो जाएंगे सेवन जीरो 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 सेवन जीरो 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 सेवन, ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर यही जो इक्वल हुए हैं ये सब बराबर वन हो जाए तो एक बहुत स्टैंडर्ड इसका नाम हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हीरो ऑफ द मैट्रिक्स यही है, इसको तत्समक आव्यूह कहते हैं, तत्समक नाम दिया गया है। इसको लिख देते हैं वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। जरा समझने की कोशिश करिएगा यहां पर, तो ये मेन मेन नाम है, जरा समझिएगा इसका परिचय क्या है। तो आप कहेंगे देखो पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो ही है, ठीक है, क्यों केवल सॉरी हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स तो ही है, दूसरी बात डायगोनल मैट्रिक्स तो ही है, तीसरी बात स्केलर मैट्रिक्स तो ही है, इसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब अगर डायगोनल है तो स्क्वायर होगी, डायगोनल इक्वल हो गए तो उसका एक निकनेम स्केलर मैट्रिक्स, सब इक्वल हो गए वन तो उसका एक निकनेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जरा ध्यान से समझिएगा इसका एड्रेस क्या है इस एलिमेंट का, आप कहेंगे पहली रो में है और पहले कॉलम में है। इसका एड्रेस क्या है, आप कहेंगे पहली दूसरी रो में है दूसरे कॉलम में है। इसका एड्रेस क्या है, आप कहेंगे तीसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो क्या आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होते, मतलब आप कह सकते हैं कि इनका एड्रेस क्या होगा, ए आई आई कह सकते हैं, आई वन होगा तो ए वन वन,
आई टू होगा तो ए टू टू, आई थ्री होगा तो ए थ्री थ्री, ये जीरो नहीं होंगे। और जब ए आई जे क्या यू ऐसे लिखिए इसको, अगर हम कहें डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए तो आप लिखेंगे ए आई जे ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये वैल्यू जीरो होगी कब, जब आई बराबर जे होगा, और अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा। मतलब इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ए वन टू, ए टू वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ये सब जीरो नहीं है। तो ये हो गया आपका तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके दो और नाम है, एक होती है जीरो मैट्रिक्स शून्य आदि, नाम से लग रहा है कि ऑर्डर चाहे जो हो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर चाहे जो हो उसके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जीरो 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 जीरो, ऑर्डर जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो मैट्रिक्स है शून्य मैट्रिक्स। एक आती है इसका नाम वैसे तो बुक में शायद नहीं दिया होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, अपर का मतलब ऊपर, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट तो होंगे नीचे सब जीरो होंगे, ठीक है, यानी कि जैसे सेवन फाइव फोर, जीरो एट सेवन, जीरो जीरो नाइन। और अगली होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें डायगोनल के नीचे एलिमेंट होते हैं ऊपर जीरो होते हैं, जैसे सेवन जीरो जीरो, फाइव फोर जीरो जीरो जीरो, सॉरी एट नाइन सिक्स। तो इस प्रकार से ये है मैट्रिक्स के प्रकार। एक कभी कभी नाम आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नाम से लग रहा है रेक्टेंगल, क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं होते। मतलब जैसे मान लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कर दें तो ये रेक्टेंगुलर है, क्यों, क्योंकि ये चौड़ाई इसकी कम है और ये चीज इसकी ज्यादा होगी। या हम ऐसे लिखते हैं इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।